हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइफ टॉक दुबई चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरू। दोस्तों, आपने तो पहले थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आपको तो पता ही चल गया होगा। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रमजान मंथ में यूएई में, दुबई में जॉब पॉसिबिलिटीज़ कितना होता है। बट इसके ऊपर काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, लेकिन तब भी लोग मुझसे मैसेज करते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि रमजान मंथ में जॉब पॉसिबिलिटीज़ कितना है, और रेगुलर बेसिस कुछ नए लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो आज उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, आपको पता ही होगा दुबई में, यूएई में रमजान स्टार्ट हो गया है, 13 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो इस रमजान मंथ में क्या होता है, पूरे यूएई में, दुबई में जितने सारे ऑफिस है, तो वर्किंग आवर्स 6 आवर्स होता है। मतलब नॉर्मली तो यहाँ का जो वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स, तो 6 आवर्स वर्किंग होता है। देखिए, नॉर्मल डे में जॉब का जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल डे में अगर 100% पॉसिबिलिटी है, तो इस ये रमजान मंथ में आपका पॉसिबिलिटी है 25%, 30%, मैक्स टू मैक्स 40%। क्योंकि वर्किंग इंटरव्यूज़ जो नॉर्मल डे होता है, उस डे में वॉकिंग इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रमजान मंथ में क्या होता है, उतना ज़्यादा वॉकिंग इंटरव्यूज़ भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए यहाँ पर जितने सारे मुस्लिम्स हैं तो उनका फास्टिंग रहता है, तो डे टाइम वो लोग बाहर नहीं निकलते। देखिए, मेरे पीछे एक रोड है अल्फाला स्ट्रीट, तो इस रोड में ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो लोग जनरली डे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर निकलते, नहीं तो बाहर नहीं निकलते। तो रमजान मंथ में क्या होता है, नाइट पे यहाँ पर लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऑफिसेस जितने सारे ऑफिस है यूएई में, दुबई में, सब ऑफिस 6 आवर्स होता है। एचआर मतलब ऑफिस में जो एचआर होता है, तो एचआर समटाइम्स एचआर ऑफिस में मतलब छुट्टी पर रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जॉब का जो पॉसिबिलिटीज़ बहुत काम हो जाता है। देखिए, आप बिजी वीज़ा लेकर यहाँ पर आएंगे, जो लोग बिजी वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, मैं आपसे लोग 3 मंथ का बिजी वीज़ा लेके यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, आप अपने कंट्री से, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हैं, तो आप अपने कंट्री से बिजी वीज़ा लेकर यहाँ पर आएंगे। उसका जो कॉस्ट होता है, बहुत कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, फ्लाइट टिकट, यहाँ आने के बाद रहने का, खाने का जो खर्चा। देखिए, जब आप दुबई में आएंगे, यहाँ पर 3 महीने का अगर बिजी वीज़ा होता है, तो महीना में आपको 11-17 मिनिमम खर्चा होता है। तो 11-17 मतलब, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, आपका मोबाइल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, तो 11-17 मतलब इंडिया का 22,000, अगर पाकिस्तान के हिसाब से वो हो जाएगा 44-45,000, बांग्लादेश के हिसाब से 23-24,000। तो इतना पैसा आप खर्चा करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ 100% मतलब जॉब मिलने का पॉसिबिलिटी वो 100% नहीं होंगे इस रमजान मंथ में। तो आपको इसलिए आना है आफ्टर रमजान। देखिए, आप इतना खर्चा करके यहाँ पर आएंगे, तो उसका तो फुल्ली यूज होना चाहिए ना, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं ना, जॉब ढूंढने के लिए, आपको जॉब चाहिए और यहाँ पर रहना है, यहाँ पर ही सेटल होना है। तो इसलिए आपको एक सिक्योर टाइम पे आना है, तो आफ्टर रमजान आपके लिए सिक्योर्ड होंगे। देखिए, आफ्टर रमजान यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं, और आपको पता ही होगा फर्स्ट अक्टूबर से यहाँ पर दुबई एक्सपो स्टार्ट होने वाले हैं। तो दुबई एक्सपो में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होंगे यहाँ पर। तो आप अगर जून जुलाई में आएंगे, तो आपके हाथ में 3 मंथ मिल जाएगा, और एक्सपो में जो जॉब आने वाला है वो है मैक्सिमम हॉस्पिटलिटी रिलेटेड। अदर सेक्टर में भी आएंगे, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है। तो देखिए, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ का कंडीशन, तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना आपको, और बाकी आप डिसाइड करेंगे। आप चाहे तो आप रमजान मंथ में ही आ सकते। देखिए, ये नहीं है कि रमजान मंथ में जॉब नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो आप अगर डिसाइड करेंगे कि मतलब ये आपको ही डिसाइड करना है, आप रमजान मंथ में आएंगे या आफ्टर रमजान आएंगे। बस यही कुछ अपडेट थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि इनमें से बहुत सारे लोग नए हैं, जो लोग नए लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं, उनका ये सवाल है कि हम रमजान में आना चाहते हैं, तो मैं क्या आऊँगा इस रमजान मंथ में, जॉब का क्या कंडीशन
होता है इस रमादान में। तो मुझे आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके, स्पेशली जो लोग दुबई आना चाहते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे कोई नए वीडियो नए अपडेट लेकर। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे दुबई रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जॉब रिलेटेड वीडियो, अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।